सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। पूर्वी दिल्ली न्यू सीमापुरी ए ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर में सुबह 10 बजे मंदिर कमेटी की ओर से सूरवीर पर्व के उपलक्ष पर 2023 पहली जनवरी पर जहां लोग ढोल नगाड़ों पर थर्क रहे थे, वही कमेटी अध्यक्ष प्रदीप शील इनकी टीम ने देश पर होने वाले शहीदों को याद किया। इस मौके पर भारत की गंगा जमुना तहजीब का दृश्य देखने को मिला तथा सर्व समाज ने भारी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। मंच का संचालन विजय गौतम ने किया तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदीप शील ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर वीर सिंह धीगान मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना नसीम फारूकी, हाजी आशु, बहार हैदर, मोहम्मद कामिल, जुल्फकार खान, करीमी, बीएल जिनवाल, सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर, हकीकत न्यूज से। आज कर रहे हैं नई सीमापुरी वाल्मीकि मंदिर के अंदर, जहां हमारे साथ पूर्व विधायक वीर सिंह धीगान साहब हैं, जो कि यहां पे नए साल के उसमें और शोरवीर पे एक कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया, जहां से भारी तादाद में लोग इकट्ठे हैं। धीगान साहब, जो आज शोरवीर नया साल भी है, 2023 शुरू हुआ है आज, लेकिन जो आज कार्यक्रम वाल्मीकि मंदिर के अंदर प्रदीप शील साहब ने रखा है, एक बहुत बड़ा मैसेज है शोरवीरों को, पर एक प्रोग्राम कराओ, उनको याद करो, दो चीज़ें। देखिए, उस बात पर सारांश में अगर मैं कहना चाहूँ तो आज उन वीरों के लिए दिन है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है, चाहे वो नागपुर का मामला हो जहाँ महारों ने पेशवाओं का विध्वंस किया था, चाहे और हम कहें देश की बात करें, देश की आज़ादी की हम बात करें, तो आज जो हम सांस ले रहे हैं शांति के साथ, जो हम ले रहे हैं सुकून से, वो उन शहीदों की देन है, उन वीरों की देन है जो आज यहाँ पर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता उनके लिए, ये वजह उन्हीं की है, ये सारा श्रेय उनको जाता है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि उनके खुदा ना हो जाऊँ, साथ में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी कुछ ना कुछ नए वर्ष में नई सोच रखें, नया काम करें। धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में प्रदीप शील साहब जो अध्यक्ष है वाल्मीकि मंदिर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो तरीके आपने एक बड़ा भाईचारे पे हमेशा से काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हैं, और जो शोर वीरों को पर जो प्रोग्राम रखा है नए साल को पर, लोग नगाड़े ढोल नाच कूद का कर रहे हैं, लेकिन आपने शहीदों को याद किया, इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम रहा, खास करके मुस्लिम बहुमूल्य तमाम सर्व समाज के लोग इकट्ठे हैं, इसमें यह आपके मन में ख्याल कैसा आया? सर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी हैदरभाई नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मेरा परिवार जो है वो पूरी सीमापुरी है, पूरा देश है, मेरा यहीं जन्म हुआ है, यहीं समाज के साथ उठना बैठना, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हमेशा प्रोग्राम करने, चाहे वो हिंदुओं के प्रोग्राम हो तो मुसलमान भाई साथ हैं, और मुसलमानों के प्रोग्राम हो तो हिंदुओं के हम सब साथ रहते हैं, ना हमने कभी जातिवादी बात करी सर, और ना हम सीमापुरी में होने देंगे, क्योंकि हमारे पास वीर सिंह धीगान जी जैसे तजुर्बेकार विधायक जो 15 साल इलाके के अंदर रहे, और हिंदू मुस्लिम को जोड़ करके इन्होंने जो रखा है वही हम इनसे सीखे हैं, और यही हम आगे चलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी यही ज्ञान देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ना हो, आपस में एक भाईचारा रहे, और अपने बच्चों को यही शिक्षा यही ज्ञान दें। और मंदिर की बात सर, पिछले 12 सालों से मैं प्रधान था, इस बार फिर समाज ने मुझे दोबारा प्रधान चुना है, तो मैं समाज का, वाल्मीकि समाज को कोटि कोटि नमन करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रदीप कुमार आपके काम जो आपने मुझे दिया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा।